हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हैं फिनोमिनल आरजे रेसल चैनल। 2013 जॉन सीना थे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, रैंडी ऑर्टन थे डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन और चैंपियनशिप यूनिफिकेशन इन दोनों का मैच टीएलसी में हुआ था। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी डब्ल्यूडब्ल्यूई की, क्योंकि उन्होंने चैंपियनशिप को यूनिफाई कर दिया उस टाइम पर, लेकिन वहाँ पर चैंपियनशिप पूरी तरीके से यूनिफिकेशन नहीं हुई थी। चैंपियनशिप तब भी अलग अलग थी, लेकिन 2014 में जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ और इस मैच में ब्रॉक लेसनर ने जीत ली WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और उन्होंने दो चैंपियनशिप को सिंगल बेल्ट में बदल दिया और एक ही चैंपियनशिप कर दी। और ये भी सबसे बड़ी गलती थी WWE की। अगर उन्होंने चैंपियनशिप को यूनिफिकेशन नहीं किया होता तो आज हमको यूनिवर्सल चैंपियनशिप कभी WWE में देखने को नहीं मिलती, और ये भी सबसे बड़ी गलती थी। जब डीन एम्ब्रो, सेट रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच होता है तो डीन एम्ब्रो ले जाते हैं स्मैकडाउन में WWE चैंपियनशिप, और रॉ के पास एक भी चैंपियनशिप नहीं थी तो उन्होंने इंट्रोड्यूस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और फिर WWE का वहाँ पे कचरा हो चुका था, क्योंकि यूनिवर्सल चैंपियनशिप का कलर था रेड और उसका डिज़ाइन सेम टू सेम WWE चैंपियनशिप के मुताबिक था। और ये भी सबसे बड़ी गलती थी WWE की, मुझे लगता है। और एक गलती कर रही है WWE की, क्योंकि WWE रेसलमेनिया 38 में ब्रॉक वर्सेस रोमन रेंस करने वाली है विनर टेक्स ऑल यूनिफिकेशन मैच, और ये भी एक बड़ी गलती है, क्योंकि अगर दोनों भी चैंपियनशिप को एक किया गया फिर से कचरा हो सकता है WWE का। मुझे लगता है कि सीधा सीधा उनको यूनिवर्सल चैंपियनशिप अलग या फिर WWE चैंपियनशिप अलग रखनी चाहिए, जैसे कि अब हमको दिखाई देती है। लेकिन मुझे एक और आइडिया सुझाई देता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप का तो पत्ता कट होने वाला है रेसलमेनिया 38 में, और मुझे ये भी लगता है कि हमारी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी वापस आ सकती है। सिंपली ये कर देना चाहिए कि जो ब्रॉक लेसनर के पास WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अभी मौजूद है, उसमें से WWE चैंपियनशिप और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को अलग अलग कर देना चाहिए, फिर हमको दोनों भी वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं, ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कुछ भी है इसी चैनल पे है और कहीं नहीं। धन्यवाद।